जनपद संभल के चंदौसी में समाजवादी पार्टी के नेता एवं समाज सेवी ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी का है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के नेता एवं समाज सेवी शानू वारसी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि भाजपा समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती है, तो उनका कहना था कि यह बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने प्रत्याशी के चयन में होने वाली देरी पर कहा कि पार्टी ने जिसे भी चंदौसी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया है, सभी उसका समर्थन करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी पे हमेशा विपक्ष वार करता है कि ये गुंडों की पार्टी है, और इस बार भी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ लोगों को चयन, बिल्कुल 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 फिरोजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने ये कहा कि ये गुंडों की पार्टी है। देखिए, गुंडों की पार्टी, अगर हमने गुंडों को टिकट, अगर हमने किसी लोगों को टिकट दे दिया और उनपे किसी कारणवश एक या दो मुकदमे हैं, तो वो गुंडे हो गए और वो पार्टी हमारी गुंडों की पार्टी हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि माननीय योगी आदित्यनाथ पे कितने मुकदमे हैं, आप बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे हैं, आप बताइए कि जो सरकार आज तक क्या कहते हैं, मंत्री जी ने लखीमपुर खीरी में एक मंत्री ने अपने बेटे की, उसके बेटे ने किसानों के ऊपर कार रौंद दी, उस पर कितने मुकदमे हैं, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ भाजपा के सर्विस सर्वा हैं, जिनका चेहरा दिखाकर समाजवादी बहुजन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए योगी जी पे कितने मुकदमे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप खाली जनपद संभल की बात कर लें, अलग अलग विधानसभाओं में, चारों विधानसभाओं में आपके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आपस में उनमें अंतर कला चल रही है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को नुकसान होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अंतर कला कुछ नहीं है, और वाद विवाद की बात यह है कि परिवार है, परिवार में लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार के बड़े लोग बैठ के उसको निपटाते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कहीं किसी विधानसभा में कोई किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरे मंडल में चंदौसी विधानसभा का ही टिकट इतना लेट क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या उसका खामियाजा आपकी पार्टी नहीं भुगतेगी? हम कोई खामियाजा हमारी पार्टी नहीं भुगतेगी। अभी हमारे पास वक्त है नॉमिनेशन करने के लिए, अभी हमारे पास 4 दिन शेष है, और टिकट प्रणाली या टिकट वितरण में जो देरी हुई है, वो देरी केवल इसलिए हुई है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व और जो कोर कमेटी टिकट वितरण प्रणाली है, वो बहुत जांच के, सोच समझ के टिकट दे रही है। उसने यहाँ की सर्वे रिपोर्ट या जो भी उनका अपना मानक रहा हो, उस मानक को अपने ध्यान में रखते हुए इस टिकट का वितरण किया है। जिस तरीके से 2017 में बिल्कुल जनता ने आपकी पार्टी को नकार दिया था, इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी जनता ने आपको करारा जवाब दिया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपकी पार्टी? देखिए, हम आपसे फिर यही बात कह रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है 2017 में झूठों की सरकार बनी थी और 2017 में झूठों के वादे हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। जिस वक्त लखनऊ के अंदर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का और एक कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे? हेलो, देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस प्रत्याशी का भी टिकट हुआ है, वो पार्टी ने और पार्टी के सर्वे के आधार पे पार्टी ने तय किया है, और सर्वे में जो रिपोर्ट गई है उसके आधार पे पार्टी ने टिकट तय करा है, और इंशाल्लाह हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। दूसरा सवाल जो आपका ये है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दें, उसके बदले में मेरा कहना ये है कि अभी लखनऊ में शायद आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय लखनऊ आए थे, मोदी जी लखनऊ गए थे, और एक इन्वेस्टर मीट वहाँ हुई थी जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का वादा भाजपा सरकार ने किया था। कहाँ है वो 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, कहाँ है वो कारखाने, कहाँ है वो नौजवानों की नौकरी, कहाँ है वो किसानों के लिए दवाइयां जो भाजपा सरकार ने ऐलान किया था? किसानों की दुर्दशा आपके सामने है, किसानों बेहाल है, युवा बेहाल है, चिकित्सा सेवाएं ठप हुई पड़ी है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम पे है। भाजपा कहती है आपको कोविड-19 में आपके नेताओं ने कुछ काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी आपकी बात कहती है, हमारी सरकार, हम सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता जितनी मदद कर सकते थे उतनी मदद करी। आपकी सरकार, भाजपा सरकार तो ये भी कहती है कि कोविड में गैस के अभाव से किसी की मौत ही नहीं हुई है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो दुर्दशा देखी कि जब मैंने गैस बांटी तो क्या हालात थे?
आपने लोगों की जान बचाई, नहीं आपने देखा, और भाजपा सरकार ये कहती है कि गैस से किसी की मौत ही नहीं हुई है, इसलिए वो झूठों की सरकार है और इस बार झूठों की सरकार जाने वाली है और हमेशा झूठ पर सच्चाई की जीत होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।